मैं तीन भविष्यवाणी बार बार कर रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने सुनाया दिखाया और मैं बार बार बता रहा हूँ सबको कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले हैं, उनको परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है, उनके दर्द को दूर करने के लिए जा रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सुन रहे हैं जितने मुझे सुन ले। 2018 में तीन बड़े स्टार मौत के मुंह में जाने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तीन बड़े स्टार, बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार अब हमारे बीच नहीं रही। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीदेवी की मौत की खबर पर किसी को भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। दुबई में दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी का निधन हो गया। एक पारिवारिक कार्यक्रम में शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो दुबई गई हुई थी, जहाँ पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कोई फिल्म एक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई मुझे सुन रहे हैं तो वो सुन ले, मैं जान के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु बुलवा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनको, कोई एट द स्पॉट किडनियां खराब हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तीन फिल्म स्टार में बार बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर उनको लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में इस चर्च के अंदर। हालेलुया। मैंने भविष्यवाणी किया था कि बड़े बड़े तीन फिल्म स्टार एट द स्पॉट कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैंने कहा था कुछ फिल्म स्टार इस फेसबुक को देखकर वो आएंगे, कुछ प्रॉब्लम देखता हूँ उनको। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो जल्दी आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। कितने लोग बिग बॉस चैनल देखते हैं? वहां से फोन आया कि हम प्रोफेट बजिंदर को बिग बॉस में बुलाना चाहते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही मुझे उन्होंने कहा, मेरे प्रेयर टावर के बच्चों ने बताया, तो मैंने उनको डांट लगा, मैंने कहा चुप, मुझे शोभा नहीं देता, मैं परमेश्वर का जन हूँ। हालेलुया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं सलमान खान को जरूर अपनी प्रार्थना से यहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है, उसको बोलना है कि मेरी प्रार्थना से तू आशीष पाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि वो एक दिन आएगा, और वो उस दिन वो जब आएगा तो यहाँ गवाही देगा, तो मैं बता रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, या किसी मंच पे वो मेरे साथ खड़ा होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। इतना जरूर है कि वो मुझे जान चुका है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहचानना और हाथ मिलाना अभी बाकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि सलमान खान जोधपुर जेल में जा चुके हैं, 5 साल की सजा उनको दी गई है। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। सलमान खान जेल जा चुके हैं और इस वक्त 5 साल की सजा के बाद कल मूव करेंगे वो सेशन कोर्ट। आज कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया, विलंब हो गया। ये तस्वीरें हैं किस तरीके से कोर्ट के बाहर निकलते हुए जेल जाते हुए सलमान खान। ये जेल के अंदर की तस्वीरें हैं, बल्कि मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जेल के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं आज तक पर एक्सक्लूसिवली। और जरा ध्यान से देखिए आप इन तस्वीरों को। नियति का खेल यही होता है, कल तक जो इंसान दुबई में शूट कर रहा था रेस 3, आज जोधपुर की जेल में। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो जल्दी आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। हिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।